गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अवर मैथ सेशन. स्टूडेंट ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 138. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू. ओके, टाइम में हम रीडिंग क्वार्टर पास्ट क्वार्टर टू हम सेकेंड में ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार कि क्वार्टर मीन्स वॉट. अब क्वार्टर मीन्स वॉट, आपने सीखा है कि कोई भी होल नंबर हो, है ना, तो उसका अगर आप फोर इसमें उसको डिवाइड करते हो तो उसका जो वन पार्ट होता है वो उसका क्वार्टर होता है. सपोज ये हमारा क्लॉक है, क्लॉक में कितने मिनट्स होते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करते हो तो कितना आंसर आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, 15 आएगा. मींस 15 मिनट्स, ये जो 15 मिनट्स होते हैं ना, 5, 5, 10, 5, 15 मिनट्स, मींस क्या, क्वार्टर. इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर. ओके, ये एक क्वार्टर होता है, ये अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना. और ये इसको भी क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्वार्टर. 15 मिनट्स है ना, अगर ये दोनों हैंड में ऐसे 15 मिनट्स का डिस्टेंस दिख रहा है तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं. और यहाँ पे भी सेम, अगर आवर हैंड यहाँ पे होता है कोई और मिनट हैंड 3 पे है तो 12 से लेके 3 तक 15 मिनट्स का डिस्टेंस दिखता है, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दिखता है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, है ना. वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स. एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60. सो हाफ एन आवर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ आवर में कितने मिनट्स होंगे, 30. ओके, वेन मिनट हैंड इज हाफ वे अराउंड द क्लॉक एट 6 एंड आवर हैंड इज इन बिटवीन टू नंबर्स, देन द टाइम इज हाफ फास्ट द प्रीवियस नंबर. सपोज ये जो आवर हैंड है कोई भी दो नंबर्स के बीच में है और मिनट हैंड 6 पे है, मतलब 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ आवर. ओके, क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट, नहीं तो हाफ आवर, हाफ आवर. ओके, अब देखो क्वार्टर पास्ट मीन्स व्हाट, 15 मिनट्स फॉर्म अ क्वार्टर ऑफ 60 मिनट्स. 60 मिनट्स में से 15 मिनट्स मीन्स क्या, उसको बोलते हैं हम क्वार्टर. और वो क्वार्टर हाफ का, क्वार्टर पास्ट का टाइमिंग हमें कैसे रीड करना है वो हम देखते हैं. सपोज ये जो आवर हैंड है हमारा 1 और 2 के बीच में है और ये मिनट हैंड है वो 3 पे है. ओके, ये जो आवर हैंड है कौन से भी दो नंबर्स के बीच में हो सकता है, है ना. तो अब जिस नंबर के आगे है वो नंबर देखना है, ये 1 के आगे और मिनट हैंड 3 पे है, मतलब 15 मिनट्स हो चुके, मतलब क्या 1 क्वार्टर हो चुका है. मतलब हम ये टाइम कैसे रीड करेंगे, क्वार्टर पास्ट 1 कैसे रीड करेंगे, क्वार्टर पास्ट 1. ओके, सपोज ये यहाँ पे होता आवर हैंड और ये मिनट हैंड 3 पे ही होता, 15 मिनट्स का 1 क्वार्टर होता है, है ना, 2 और 3 के बीच में, तो हम टाइम कैसे रीड करते, क्वार्टर पास्ट 2. सपोज ये यहाँ पे होता आवर हैंड, ये मिनट हैंड तो 3 पे ही रहेगा क्योंकि हम क्वार्टर सीख रहे हैं, है ना, 4 के आगे, तो आप ये कैसे रीड करोगे टाइम, क्वार्टर पास्ट 4. ओके, ऐसा. सो स्टूडेंट व्हेन द मिनट हैंड इज एट 3, व्हेन द मिनट हैंड इज एट 3 एंड द आवर हैंड इज बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, द टाइम इज क्वार्टर पास्ट द स्मॉलर नंबर. तो टाइम क्या होता है, वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो स्मॉलर नंबर होता है उसके आगे क्वार्टर पास्ट हमें बोलना होता है, क्वार्टर पास्ट 4. ओके, ऐसा हम ये टाइम बोल सकते. ओके, द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज द आवर हैंड कम्स बिटवीन 12 एंड 1. सपोज ये जो आवर हैंड 12 और 1 के बीच में है तो आप ये टाइम कैसे रीड करोगे, दिस टाइम इज रीड एज क्वार्टर पास्ट 12. ओके, ऐसे. तो आप बोलोगे 15 मिनट्स का एक क्वार्टर होता है ना, कि टीचर 15 मिनट्स का एक क्वार्टर होता है. यहाँ पे भी तो हमें ऐसा अगर हैंड आया तो यहाँ पे 9 पे अगर मिनट हैंड है तो यहाँ पे भी 15 मिनट्स ही दिख रहा है, मतलब 1 क्वार्टर का ही पोर्शन दिख रहा है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो व्हेन द मिनट हैंड इज एट 9, अगर मिनट हैंड 9 पे है, मिनट हैंड 9 पे है और ये जो आवर हैंड है वो कोई भी दो नंबर्स के बीच में है, इन दोनों के बीच में या यहाँ पे या यहाँ पे, तो आप इसको कैसे रीड करोगे, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर टू टाइमिंग. क्या बोलते हैं, क्वार्टर टू टाइमिंग. ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना है, ग्रेटर नंबर देखना है. वहां पे हम स्मॉलर नंबर का पास करते थे, है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 12. तो आप ये टाइम कैसे रीड करोगे,
क्वार्टर टू 12, ओके सपोज ये 9 पे है मिनट हैंड और ये दो नंबर्स के बीच में है, तो आप ये कैसे रीड करोगे, क्वार्टर टू 1, या ये दोनों के बीच में है और मिनट हैंड 9 पे है, तो आप ये कैसे रीड करोगे, क्वार्टर टू 2, मतलब 2 बजने को 15 मिनट्स बाकी है, 1 बजने को 15 मिनट्स बाकी है। और अगर यही मिनट हैंड 3 पे हो, तो आप ये कैसे रीड करोगे, क्वार्टर पास्ट 1, मतलब 1 बज के 15 मिनट्स हुए हैं। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 9 पे जब मिनट हैंड होता है तब आपको क्या बोलना है, तब आपको बोलना है कि क्वार्टर टू 2, ओके। सो ये आप अच्छे से ऑलरेडी आपका हो चुका है, सिर्फ एक बार रिवीजन कर लो, ओके। सो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम समझेंगे कि क्वार्टर पास्ट क्या होता है, कैसे शो करना है क्लॉक में, ओके। सपोज ये मिनट हैंड है, ये 1 और 2 के बीच में है, और सॉरी ये आवर हैंड है 1 और 2 के बीच में, और मिनट हैंड 3 पे, जब भी मिनट हैंड 3 पे हो, मैंने क्या बोला है आपको, जब भी मिनट हैंड 3 पे हो तो आपको क्या करना है, ये दो नंबर्स में से जो स्मॉलर नंबर होता है, स्मॉलर कौन सा है, 1, मतलब फर्स्ट वाला जिसके आगे ये आवर हैंड गया है, तो आपको उतने बज के क्वार्टर पास लिखना है। मीन्स यहाँ पे आप टाइम कैसे राइट करोगे, क्वार्टर पास्ट 1, ओके। या ऐसे भी आप लिख सकते हो 15 मिनट्स पास्ट 1, 1 बज के 15 मिनट्स हो, या क्वार्टर पास्ट 1, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो टाइम हुआ है, मैं यहाँ पे आपको आवर हैंड 4 और 5 के बीच में देती हूँ और मिनट हैंड 3 पे देती हूँ, ठीक है। तो कितने बजे ये टाइम आपको लिखना है, क्वार्टर पास क्या लिखोगे, 4, और 15 मिनट्स पास्ट 4, ओके। तो ये आपको करना है। और क्वार्टर 2 का देखो कैसे करते हैं, सपोज यहाँ पे आपको जब मिनट हैंड 3 पे आएगा, सॉरी मिनट हैंड 9 पे आएगा, 3 पे अगर आएगा तो आपको क्वार्टर पास लिखना है, और अगर 9 पे आएगा तो क्वार्टर 2 लिखना है। और क्या करना है आपको, सपोज ये 9 पे मिनट हैंड है और आवर हैंड हमारा 10 और 11 के बीच में है, तो हम 10 ऐसा लिखेंगे क्या, क्वार्टर टू 10, नहीं, तो हमें इन दोनों नंबर्स में जब मिनट हैंड 9 पे है तो हमें बड़ा वाला नंबर लेना है, मतलब हम लिखेंगे क्वार्टर टू 11, क्या लिखना है, क्वार्टर टू 11, ओके। या 15 मिनट्स टू 11, 11 बजने को 15 मिनट्स बाकी है, ओके, ऐसा आप लिख सकते हो, क्वार्टर टू 11 या 15 मिनट्स टू 11, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम क्वार्टर पास लिखते हैं तो मिनट हैंड कहाँ पे होता है, 3 पे होता है, और जो दो नंबर्स के बीच में आवर हैंड होता है ना, उसमें से छोटा नंबर हमें लेना होता है, उसका क्वार्टर पास्ट होता है, क्वार्टर पास्ट 1, ओके। और क्वार्टर टू कब होता है, जब मिनट हैंड 9 पे होता है और आवर हैंड कोई भी 2 नंबर्स के बीच में हो तो उसमें से बड़ा वाला नंबर हमें लेना होता है, क्वार्टर टू 11, ओके, या 15 मिनट्स टू 11, या हम यहाँ पे पास्ट में लिख सकते क्वार्टर पास्ट 1 या 15 मिनट्स पास्ट 1, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, साथ में आपको यहाँ पे कौन सा टाइम हुआ है क्वार्टर पास्ट का ये बताना है, और यहाँ पे भी बताओ मुझे कि कौन सा टाइम हुआ है। आपको प्रॉपरली कोई भी लीड या बैंगल लेके ये जो क्लॉक है ये ड्रॉ करने हैं, ठीक है, और नंबर्स भी प्रॉपरली लिखने हैं क्लॉक में। यहाँ पे आवर हैंड 7 और 8 के बीच में है और मिनट हैंड 9 पे है, तो आप क्या लिखोगे, क्वार्टर टू, बड़ा वाला नंबर लेना है दोनों में से, 8, ओके, या 15 मिनट्स टू 8, ऐसे, ठीक है। तो ये 2 मैंने करके दिए हैं, ये 2 आपको करने, ओके, और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। बाय।